हैदराबाद में एक महिला डॉक्टर से गैंगरेप और हत्या के मामले में आरोपी सभी चार युवकों का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। एनकाउंटर पर राजनीति भी खूब हुई। इस बीच कुछ यूट्यूब चैनल और वेबसाइट चार में से एक आरोपी मोहम्मद पाशा को AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का रिश्तेदार बता रहे हैं। रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि पाशा असदुद्दीन ओवैसी का भांजा है और इस पूरी घटना की साजिश कहीं न कहीं उन्होंने रची है। इस तरह की खबर चलाने और फर्जी खबरें फैलाने के लिए AIMIM ने तीन वेबसाइटों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। AIMIM पार्टी के PRO मोहम्मद तौसीफ ने दायर शिकायत में आरोप लगाया है कि वेब पोर्टल फर्जी और भड़काऊ खबरें फैला रहे हैं, जिससे लोगों में दुश्मनी और नफरत पैदा हो। पार्टी ने IPC की धारा और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की भी मांग की है और YouTube से वीडियो को हटाने के लिए कहा है। फिलहाल आगे की कार्रवाई के लिए शिकायत साइबर क्राइम पुलिस को भेज दी गई है। न्यूज डेस्क।